2022 की कोरियन मूवी द वैंडरिंग मून आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर सांग इन ली, आईएमडीबी रेटिंग 7। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप क्या दोबारा उस इंसान के पास जाना चाहेंगे? लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसका रेप और अपहरण दोनों होता है और फिर भी वो उस अपहरण करने वाले इंसान के साथ ही रहना चाहती है। आखिर क्यों? कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। इसके साथ चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। कहानी शुरू हुई। एक 10 साल की लड़की पार्क में अकेले झूले पर बैठी है, तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, पर वो बारिश से बचने के लिए कहीं जा नहीं रही, वही बैठी है। इतने में एक 17-18 साल का लड़का अपने छाते से उसे ढाक लिया और थोड़ी देर बाद दोनों साथ चल दिए। अब एक रेस्टोरेंट में कुछ स्कूल के लड़के मोबाइल में किसी पुलिस केस का वीडियो देख रहे हैं। एक फूमी नाम के लड़के ने किसी 10-11 साल की लड़की का अपहरण कर उससे यौन संबंध बनाने का मामला है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। वही काम कर रही सारा उन बच्चों की बातें सुन रही है। फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल कर उसने एक गहरी सांस भरी। ये वही बच्ची है जिसका वीडियो वो स्टूडेंट्स देख रहे थे और इस हादसे को 9-10 साल गुजर चुके हैं। सारा अपने बॉयफ्रेंड रोइको के साथ रहती है। कुछ अरसा हो गया है दोनों को साथ रहते हुए और अब रोइको उसे अपने परिवार से मिलाना चाहता है। उसकी दादी की तबीयत खराब रहती है आजकल, इसीलिए वो उसकी शादी करवा देना चाहते हैं। सारा के अतीत के बारे में रोइको जानता है और उसका कहना है कि ये बहुत पुरानी बात है, उसका परिवार धीरे धीरे इस बात को समझने लगेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों सारा के लिए मानो कल ही वो सब कुछ हुआ हो। उसे सब याद है, जब हम कमरे में नया नया पेंट लगाते हैं उसकी खुशबू या अभी अभी खरीदा कोई आईने की तरह बिल्कुल साफ साफ याद है उसे। कहानी अब 10 साल पीछे लौटी। एक इत्मीनान की बेहोश नींद, मानो एक सदी की नींद से जब सारा उठी, वो लड़का सामने बैठे उसे घूर रहा है। उसका नाम फूमी है, सारा उसी के घर में है। सारा ने रात में आइसक्रीम खाते हुए कहा, मेरे पापा तेज पेट दर्द से मारे गए और माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तब से मैं अपनी आंटी के यहाँ रहती हूँ। पता नहीं क्यों पर सारा को यहाँ महफूज लग रहा है, वो अब से यही रहना चाहती है। फूमी ने उसके इस भोले से सवाल के जवाब में हाँ कह दिया, क्योंकि उसे पता है कि ये मुमकिन नहीं। अब कहानी वापस आज पे लौटी। सारा और उसके साथ काम करने वाली उसकी दोस्त शूरी शाम एक कैफे गए जो किसी एंटिक शॉप के ऊपर है। सुना है यहाँ अच्छी कॉफी मिलती है। सारा इस कैफे के मालिक को देखते ही पहचान गई, वो फूमी है। इतने सालों बाद यहाँ इस तरह उससे मुलाकात हो जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि उस वक्त उसने कुछ कहा नहीं, मगर उस दिन के बाद से सारा अक्सर काम के बाद वहाँ अकेले जाया करती, एक कप कॉफी ऑर्डर करती और दूर से उसे देखकर चली आती। कभी कभार ज्यादा देर हो जाने पे वो रॉयको से कहती, आज ओवरटाइम करना पड़ा, स्टाफ छुट्टी पर थे। इसी तरह एक दिन सारा के मैनेजर ने उसे बताया कि कल उसके निकलने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया था, वो तुम्हारे ओवरटाइम के बारे में पूछ रहा था। उसकी ये रोज की देरी से रोइको को शक होने लगा था। ऑफिस ब्रेक में उसने जब ये बात शूरी को बताई तो वो बोली, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रोइको तुम्हारी इतनी फिक्र करता है, और वैसे आजकल जीने के लिए लड़के की अच्छी नौकरी और उसके माँ बाप के पास अच्छी जमीन जायदाद होना जरूरी है, और वो दोनों ही उसके पास है, तुम्हारी लाइफ तो सेट है। आज भी सारा कैफे में बैठकर एक किताब पढ़ रही है। कमरे के दूसरे कोने में फूमी के हाथ में भी एक किताब है। कहानी में एक बार फिर अतीत का दृश्य दिखाता है। सारा को फूमी के यहाँ रहते हुए कुछ दिन हो गए हैं, दोनों काफी घुल मिल चुके हैं। एक दिन न्यूज में सारा की गुमशुदगी की खबर आ रही है। 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, उसका बैग एक पार्क से मिला है। पुलिस को अंदेशा है कि वो किसी अप्रिय घटना का शिकार हो गई है। सारा को घबराता हुआ देख फूमी ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। परेशान होकर सारा ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो वो तुम्हें पकड़ लेगी। फूमी बोला, मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं, फिक्र तो इस बात की है कि मेरे सारे राज उन्हें पता चल जाएंगे जिन्हें मैं अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता हूँ। उस रात खाने के टेबल पे सारा ने फूमी को और भी कुछ गहरे राज बताए। वो हर रात मेरे बिस्तर तक आता था ताकि हीरो, मेरी आंटी का 14 साल का बेटा, जब सब सो जाते
मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आती। वो मेरी नहीं सुनता था, इसलिए बस हर रात दुआ करती थी कि वो जल्दी चला जाए। अब प्रेजेंट में सारा को लेने रॉय को कैफे आया। उसे वहां देख वो चौंक गई कि यहाँ का पता उसे कैसे चला। तुम रोज यहाँ ओवरटाइम का बहाना कर आती हो, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक काम करते हैं, तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है ना, तो एक कॉफी मशीन ले लेते हैं। तुम बदल गई हो सारा, जिस पे सारा बोली, तुमने मुझे पूरी तरह जाना ही नहीं है। रॉय को हंसता हुआ बोला, आज पहली बार तुमने मुझे कोई चुनौती दी है। फिर बिल चुकाकर वो दोनों वहां से निकल गए। इधर फूमी ने भी सारा को बहुत पहले से गौर करना शुरू कर दिया था, मगर उससे कभी कुछ कहा नहीं। रात में रॉय को के जबरदस्ती करने पे सारा ने उसे मना कर दिया। इस बात में वो गुस्सा होकर सो गया। कहानी दोबारा पीछे जाती है। उस बारिश के दिन पार्क में जब फूमी ने पूछा था कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती, नन्ही आंखों से ऊपर देखते हुए सारा ने कहा था, नहीं जा सकती, मैं नहीं जाना चाहती। उसकी नजरों की बेबसी में कुछ तो नजर आया होगा। फिर फूमी ने जब पूछा, मेरे घर चलोगी, सारा ने हाँ में जवाब दिया। उसे डर नहीं लगा होगा। क्या डराने वाले जब घर में ही हो तो बाहर वाले ज्यादा महफूज लगते हैं। वो शाम सारा भुलाई नहीं भूल सकती। आज भी बेचैन फूमी के कैफे के बाहर खड़ी है, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसे कुछ कहना है जो बहुत दिनों से मन में दबा हुआ है। अब वो रुक पूरे दिन कैफे के बाहर उसका इंतजार किया। रात में कैफे बंद कर जब फूमी बाहर निकला, उसके साथ एक लड़की भी है। सारा ने फूमी के घर तक उसका पीछा किया, लेकिन उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। लौटते वक्त सारा वो दिन याद करने लगी जब पुलिस ने उसे और फूमी को पकड़ लिया था। वो कितना रोई थी, चिल्लाई थी, मगर पुलिस फिर भी फूमी को ले गई। अब यहाँ घर पहुंचकर रोइको ने बताया, उसकी दादी बहुत बीमार है, उन्हें घर जाना होगा। वो सारा को भी अपने साथ ले गया। रोइको के घर वाले सारा से मिलकर बहुत खुश है और दादी के जिंदा रहते उनकी शादी करवाना चाहते हैं। पिछली रात बारिश में भीगने की वजह से सारा थोड़ी थकी थकी सी लग रही है। रोइको की बहन ने उसे देखकर कहा, क्या रोइको तुम्हें भी मारता है? मुझे पता है ये बात तुम्हें इस घर में कोई नहीं बताएगा, मगर रोइको के अपने पिछले गर्लफ्रेंड के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उसे हाथ उठाने की आदत है। आज भी रात में अपने सदमे के सताए सारा रोती है, डरती है, जैसे बचपन में ताका हीरो के कमरे में आने से डरती थी। अब एक दिन सारा के दोस्तों से पता चला कि किसी ने फूमी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कहाँ रहता है, क्या करता है, यहाँ तक कि उसके कैफे का भी पता दिया हुआ है। उसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर है। सब कहने लगे, फूमी तो अभी इसी इलाके में है ना, तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए। सारा गुस्से में वहां से चली गई। उसे अफसोस हो रहा है कि एक बार फिर वो फूमी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। सारा को कोई सुध-बुध नहीं, उसे बस फूमी से बात करनी है, इससे पहले कि सब गलत हो जाए। रोई को घर आ गया है, इसका भी उसे ख्याल नहीं, और जैसे ही बाहर निकलने लगी, रोइको ने उसे रोका, फूमी के पास जा रही हो? सारा हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे फूमी के बारे में कैसे पता? उसने पूछा, कहीं तुमने तो सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें नहीं डाली? ये क्या कर दिया तुमने? इतने सालों बाद तो अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ? सारा उस पर बहुत नाराज है। इतने समय से मुखौटा ओढ़े रोइको के सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार उसने अपना रूप दिखा ही दिया। सारा को मार मार कर लहूलुहान कर दिया, और इसके बाद भी जब वो उस पे दावा करने, उस पे जबरदस्ती करने लगा, सारा किसी तरह उसके सर पर एक भारी चीज से प्रहार कर वहां से जैसे तैसे नंगे पांव भागी। आज अभी भी उसके पांव फूमी के घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जैसे उसे उसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। वो आज मर भी जाए तो बस एक बार उसे देख ले। दृश्य बदल कर अतीत में लौटी। फूमी के साथ उसका आखिरी दिन था जब पुलिस उनकी ओर बढ़ रही थी और सारा फूमी को वहां से भाग जाने को कह रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा था, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, इस पर और किसी का हक नहीं। और फिर फूमी के अंकल आंटी उसे जबरदस्ती वहां से ले गए और पुलिस ने फूमी को पकड़ लिया। पर पुलिस भी ये देखकर हैरान है कि ये ऐसी पहली अपहरण है जिसमें वो बच्ची खुद अपने परिवार के पास नहीं जाना चाहती। कहानी आज पर आई। फूमी के घर के बाहर सारा सिमट कर बैठी है। उसके सामने खड़ा फूमी ने कहा, मेरे घर चलना चाहोगी? बिल्कुल जैसे 10 साल पहले पूछा था। उसके मुंह में लगे खून को धोते हुए सारा रो पड़ी, मुझे माफ कर दो,
मैं पुलिस को बता नहीं पाई कि तुमने कुछ नहीं किया था। मेरी सुनी नहीं गई। मैं ताका हीरो के बारे में किसी से नहीं कह सकी। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी तुमने सहा है वो मेरी वजह से था, कहकर सारा फूट फूट कर रोने लगी। फूमी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम बहुत छोटी थी। बातें करते करते थकी सारा वहीं सो गई। कुछ दिन बाद सारा ने फूमी के ही बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर ले लिया, क्योंकि वो फूमी के आसपास रहकर खुद को महफूज महसूस करती है। आहिस्ते आहिस्ते दोनों थोड़ा बहुत समय भी साथ गुजारने लगे। सारा को मालूम है कि आज फूमी की जिंदगी में कोई है। उसने भी रोहिको के बारे में फूमी से बात की। रोहिको के बारे में सोचते हुए उसने कहा, इंसान हमेशा दूसरों में वो क्यों देखता है जो वो देखना चाहता है? वो क्यों नहीं देखते जो दूसरा इंसान असल में है? और फिर कहते हैं तुम बदल गए, जवाब देने लगे। फिर सारा ने पूछा, मैं बचपन में कैसी थी? फूमी उन दोनों की बात याद करते हुए बोला, तुम भी बाकी बच्चों की तरह बहुत चंचल थी, जिंदगी से भरी थी जो अब कहीं खोसी गई है। कुछ दिन बाद सारा की दोस्त शूरी, जो कि एक अकेली माँ है, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है और उसे अपनी बेटी रीका की जिम्मेदारी अकेली नहीं संभाली जाती। उसे एक हमसफर और रीका को एक बाप के साई की जरूरत है। यही सोच वो मर्दों से रिश्ते बनाती कि उनमें से कोई तो उससे शादी करेगा। अभी वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही है, इसीलिए अपनी बेटी की देखरेख सारा को दे गई। 10 साल की रीका जल्द ही फूमी के साथ भी घुल मिल गई। एक दिन सारा ने फूमी से पूछा, जेल से छूटने के बाद क्या हुआ था? फूमी बोला, मैं नाबालिग था, कुछ साल बाद छूट गया, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे माफ नहीं किया। घर के बाहर एक कमरे में कैद रखा, बातें करना कम कर दिया, क्योंकि उनसे माना नहीं गया कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। फिर कुछ साल बाद मैं शहर आ गया और तब से यही हूँ। अब एक दिन रोय को सारा को ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट आ पहुंचा और सारा से कहने लगा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब मेरे साथ घर चलो। जिस पर सारा ने जवाब दिया, मुझे किस जुर्म की माफी दी है तुमने? फिर रोय को बोला, तुम कैसे भूल सकती हो? उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम उसे कैसे माफ कर सकती हो? सारा बोली, ठीक वैसे जैसे तुम्हें माफ कर दिया, अब हमारे रास्ते अलग है। मगर रोय को हार मानने वालों में से नहीं है और गुस्से में वहां से चला गया। सारा जमीन पर गिर पड़ी। वहीं खड़ी एक औरत ने सारा को संभाला। वो सारा को पहचानती है, वो आयुमी है जो उस रात फूमी के साथ थी जब सारा फूमी के पीछे पीछे आई थी। सारा को यहाँ फूमी के बिल्डिंग में देख उसका दिल टूट गया और फूमी से बिना मिले ही वो वापस चली गई। सारा ने ये बात फूमी को बताई। दरअसल आयुमी उसे पसंद करती है, मगर फूमी कभी उसे अपना अतीत नहीं बता पाया। शायद उसका चले जाना ही ठीक है। अब इधर कई दिनों से शूरी की कोई खबर नहीं आई। रीको की इस बीच तबीयत भी खराब हो गई थी। वो कहती तो नहीं, पर अपनी माँ को याद तो करती है। अब सारा को काम पर जाना होगा, इसीलिए फूमी उसके घर पर रुककर उसका ख्याल रख रहा है। कई फोन कॉल्स और मैसेजेस छोड़ने के बाद भी शूरी का कोई अता पता नहीं। रीका का ख्याल रखते हुए उन दोनों में बहुत बातें होने लगी। फूमी बहुत किताबें पढ़ता है, जब वो जेल में था या घर पर भी जब वो बंदी था सिर्फ किताबें पढ़ता रहता था। रीका ने पूछा, और जब किताबें पढ़कर बोर हो जाते थे तब? तब मैं किसी बिछड़े को याद करता। वो कैसी होगी, कहाँ होगी? रीका बोली, क्या वो तुम्हारा पहला प्यार थी? फूमी बोला, पता नहीं। फिर रीका ने शरारत भरी नजरों से कहा, मैं सारा को कुछ नहीं बताऊंगी, और दोनों मुस्कुराने लगे। यहाँ सारा को एक न्यूज एजेंसी मिलने बुलाती है। उसे कुछ तस्वीरें दिखाई गई। असल में सोशल मीडिया में एक खबर फैली है कि 10 साल पहले अपहरण हुए मासूम लड़की को अपने ही अपहरणकर्ता से प्यार हो गया। न्यूज चैनल इस पर सारा का एक इंटरव्यू चाहती है। बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गई है सारा। उसने फूमी से कहा, कभी कभी मन करता है इस दुनिया से भाग जाऊं, जहां सिर्फ हम दोनों हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे कुछ और नहीं बनाना चाहता, जहां मैं सिर्फ खुद मैं हूं। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई। फूमी की फिर से बदनामी होने लगी। उसका कैफे बंद कर दिया गया। आए दिन खबर में छपती, फूमी का नया शिकार एक और बच्ची का अपहरण, और तीनों के साथ तस्वीरें फैलने लगी। यहाँ तक कि सारा को भी अपना काम छोड़ना पड़ा। कहीं ना कहीं सारा को मालूम है ये सब रियो को नहीं किया है। आखिर में वो उसके दरवाजे तक गई। रोहिको ने काम छोड़ दिया है, वो अंदर ही अंदर जलन से घुट रहा है।
उसी ने ये सारी अफवाह फैलाई है, मगर सारा के ऊपर अब उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा, वो बदल चुकी है। रॉय को समझ गया, चाहे वो जो भी करे, सारा अब उसके पास वापस नहीं आने वाली। उसके कमरे से निकलते ही उसने खुद को जख्मी कर लिया। उसके करहाने की आवाज सुन सारा वापस गई और एम्बुलेंस को फोन किया। इस मोड़ पर रॉयको ने स्ट्रेचर पर लेते हुए सारा का हाथ झटक दिया और कहा, बहुत हुआ, अब तुम आजाद हो, वापस कभी मत आना। यहाँ आयुमी ने वो सारी खबरें पढ़ी है, सुनी है, मगर फिर भी वो एक बार फ्यूमी के मुंह से ये सब सुनना चाहती है, क्योंकि वो उसे प्यार करती है और जहाँ तक वो फ्यूमी को जानती है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन फ्यूमी ने उसका दिल तोड़ दिया ये कहकर कि उसने जो भी सुना सब सच है, क्योंकि वो खुद को आयुमी से जोड़कर उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। यहाँ लोगों ने पुलिस तक खबर पहुंचा दी कि एक और 8 साल की लड़की को उसके साथ कैफे के बाहर देखा गया है। अब पुलिस मौके पर पहुंची, रीका ड्राइंग बुक में रंग भर रही है। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी वो फ्यूमी को आवाज देने लगी, जिसे सुन फ्यूमी भी उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर पुलिस रीका को ले गई। शाम को जब सारा वापिस आई उसने फ्यूमी को कमरे के एक कोने में बैठा पाया। वो फ्यूमी से उसकी जिंदगी खराब करने के लिए माफी मांगने लगी। मुझे पता है मेरे आने से तुम फिर बदनाम हो गए और मैं दोबारा कुछ नहीं कर पा रही, पर इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उठकर जाने ही लगी थी कि फ्यूमी ने अपने सारे कपड़े उतार कर उसे वो सच दिखाया जिससे वो बचपन से जूझ रहा था, जिस वजह से वो अकेला रहा, कभी किसी को अपना ना सका। और वो कमजोरी थी कि फ्यूमी के जननांग कभी बड़े ही नहीं हुए, उसे ये बीमारी है, वो बचपन से ऐसा ही है, यानी जिस जुर्म के उस पर आरोप लगाए गए वो जुर्म वो कर ही नहीं सकता, ना ही अपनी कमजोरी लोगों के सामने रख सकता है। वो जोर जोर से रोने लगा। सारा ने उसे गले से लगा लिया। अब नींद से उसकी आंखें बोझल होने लगी। अपने दिल का बोझ हल्का कर वो इत्मीनान से सो रहा है, क्योंकि सारा आज उसके लिए जाग रही है, कोई उसके लिए उसके साथ खड़ा है जैसे फ्यूमी उसके लिए हमेशा खड़ा था। सारा धरती और फ्यूमी उस चांद की तरह हो गया है, जो चांद धरती के इर्द गिर्द होते हुए भी कभी एक नहीं हो पाते। बस कहानी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर।